लोकसभा चुनाव से पहले इंदौर के सियासी गलियारों में सत्ता की चाबी का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ताई से सत्ता की चाबी छीनने की बात कही, तो वहीं विधायक रमेश मेंदोला ने मंत्री जी को सलाह दे डाली। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली संसदीय सीट पर सेंध लगाने के लिए कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगा रही है। इंदौर से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन से सत्ता की चाबी छीनने के मामले में भी सियासत गर्मा रही है। दरअसल प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ताई से सत्ता की चाबी छीनने की बात कही, तो बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश मेंदोला ने मंत्री जी को सलाह दे दी। मेंदोला बोले कि बुजुर्गों से चाबी छीनना हमारे संस्कार नहीं है। ये हमारे यहाँ संस्कार नहीं कि बुजुर्गों से और इस तरह का बात की जाए और उनसे चाबी छीनने की, ये हमारे कहीं संस्कार नहीं। किसी भी घर में ऐसे संस्कार नहीं होते कि माँ बाप से कोई बहू चाबी छीन ले, कोई बेटा चाबी छीन ले। ऐसा तो वही होता है जहाँ संस्कारित नहीं हो, संस्कार नहीं होते। नहीं, मैं क्या दूंगा, मैं तो बता रहा हूँ। मैं तो किसने बोला क्या बोला मुझे पता नहीं, पर जो भी ऐसा बोलता है वो उसमें संस्कार होना चाहिए, कमी होना चाहिए। मुझे लगता है कि या तो उनके सोचने में, उनके बोलने में कहीं गलती हुई होगी, वो अपने आप को सुधारेंगे और अपने मेरे खिलाफ आप बात करोगे तो उसको गलती को आप महसूस करेंगे और नया बयान आपको देंगे, मुझे पता है। गौरतलब है कि 8 बार के लोकसभा चुनाव में इंदौर से कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सियासी माहौल तैयार कर रही है। वहीं बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।